फ्रेंड, बिहार उद्यमी योजना का ऑनलाइन स्टार्ट 1 जुलाई से हो चुका है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक डिटेल के बारे में पता होनी चाहिए कि आवेदन करते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और योजना किस तरह से वर्क करेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम इस योजना के बारे में बात करते हैं कि इसमें किस तरह से लाभ दिया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किन बातों का हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी ऑफिशियल साइट पर हैं, यहाँ पे हम होम पेज पर हैं और यहाँ पे हम पेज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख बिंदु दिया गया है। अब इसमें देखिए, संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई को 50% अधिकतम रुपया 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण, जिसे 8 वर्षों में हमें चुकाना होगा, 7 वर्षों में मुझे चुकाना होगा, जो कि 84 किस्तों में पे करना होगा। यानी कि फ्रेंड, अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपका 5 लाख ब्याज माफ हो जाएगा और जो 5 लाख बचेगा उसको आपको 84 किस्तों में पे करना होगा। इसका सिंपल सा जो है यहाँ पे प्रोसेस है। बाकी देखिए, यहाँ बताया गया है स्वीकृति राशि 50% अधिकतम 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान सब्सिडी दे होगा, यानी कि 50% आपका टोटल सब्सिडी हो जाएगा, आपको नहीं देना होगा, माफ हो जाएगा। इसके बाद चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 की व्यवस्था, मतलब आप जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहां पे भी आपको 25,000 की व्यवस्था के लिए यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ दे होगा। आप अगर नया उद्योग डालेंगे, नया कारखाना ले, नया बिजनेस डालेंगे तो उसके लिए इस योजना में आप एनरोल करेंगे। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दे होगा। तो फ्रेंड, इसका बेसिक सा डिटेल है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। यानी कि 10 लाख का लोन मिलेगा, 50% आपका माफ हो जाएगा, कितना भी मिले आपका, लेकिन 5 लाख उसमें माफ हो जाएगा या फिर आप 50% सब्सिडी आपको मिलेगी ही मिलेगी, इतना इसका सिंपल है। अब फ्रेंड, यहाँ पे नीचे आते देखिए, यहाँ पे दिया है प्रो पीएरूटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खाता, सेविंग अकाउंट या फर्म के नाम से बचत खाता मान्य होगा, परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने उपरांत ही स्वीकृति राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब ये फ्रेंड, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो खाता होगा वो आपके फर्म के नाम से होना चाहिए। हाँ, अप्लाई करते समय आप अपना सेविंग अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको अपने सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में चेंज करना होगा। जब करंट अकाउंट में आप चेंज करेंगे तो वहां पे उस करंट अकाउंट का जो है नाम आपके फर्म के नाम से होना चाहिए। आप जो भी उद्योग डालेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप डालते हैं, तो उस बिजनेस के नाम से आपका जो है वहां पे करंट अकाउंट ओपन होना चाहिए। और जो पासबुक आप अपलोड करेंगे उस पासबुक में अकाउंट ओपनिंग डेट भी मेंशन होना चाहिए। ये चीजें हैं। अभी नीचे में आते हैं, देखिए इसमें बताया गया है इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहले लाभुक बिहार के अस्थायी निवासी हों, मतलब सिर्फ बिहार के रेजिडेंसी इस योजना के बारे में, इस योजना को इनरोल कर सकेंगे। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक वर्ग के हों, इनमें से कोई भी वर्ग के होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 10+2 या इंटर या ITI या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, इनमें से आप कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तो ये चीजें हैं। उम्र भी आपके 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए तब आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बाकी देखिए, अब प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू करंट अकाउंट या फर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा, जो मैंने आपको दिखाया, परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के बाद ही स्वीकृति राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा, जो मैंने आपको दिखाया कि आपको करंट अकाउंट उसको चेंज कराना होगा। हाँ, अगर आपके पास करंट अकाउंट है, फर्म के नाम से आप ओपन ही करवा लेते न्यू अकाउंट, तब भी आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया, प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है, प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता करंट अकाउंट होना चाहिए। अभी ये तो हो गया
कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान देनी होंगी। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि जिन बिना किसी एक डॉक्यूमेंट के हम इसमें इनरोल नहीं कर सकते, तो आपके पास सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जन्मतिथि के सत्यापन हेतु यानी डेट ऑफ बर्थ उस पर मेंशन रहेगी, मैट्रिक यानी दसवीं का मार्कशीट, इंटर या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए महिला के मामले में पिता के नाम से, अब देखिए जाति प्रमाण पत्र महिला है तो उसके पिता के नाम से होना चाहिए, इसमें बताया गया है। संगठन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो यानी कि तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज 120 KB के अंदर होना चाहिए, जो आप इजिली बना लेंगे। हस्ताक्षर का नमूना, यहाँ भी देखिए हस्ताक्षर आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी 120 KB का होना चाहिए मैक्सिमम साइज। बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो, जो मैंने दिखाया कि बैंक स्टेटमेंट आप जो देंगे उसमें वैसे अकाउंट ओपनिंग डेट लिखा रहता है, तो वो भी उसमें चाहिए। और रद्द किया गया चेक यानी कैंसिल चेक भी आपको देना होगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और ये बातें आपको ध्यान देनी होंगी, तभी आप इस योजना के लिए इनरोल कर सकते हैं। अभी फ्रेंड ये तो हो गया, अब देखिए हम क्या फॉर्म भरने के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो देखें। तो आप इस वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपकी एक वीडियो ओपन होगी, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में आप सीखेंगे। अभी हम थोड़ा सा और नीचे आते देखते हैं इसमें और कौन कौन सी जानकारी दी गई है। अभी फिर नीचे आने पर देखिए आप नोट में दिया है कि स्वीकृति राशि अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले तो वो 10 लाख आपको 3 किस्त में मिलेंगे, एक ही साथ नहीं मिलेंगे, 3 किस्तों मिलेंगे। और यहाँ पे योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा, यानी परिवार में आपके 4-5 लोग हैं तो सिर्फ एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और जो आपका पैसा अगर पास होता है, लोन आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो वहां पे आपको 3 किस्तों में उसका टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि RTGS के माध्यम से भेजा जाता है। अभी देखिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, बताया गया कि विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर इतना पर प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। आपका कोई अगर इसमें क्वेश्चन रहता है तो अगर आप चाहें तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर बात करके उनसे पूछ सकते हैं, जो कि समय बताया गया है 10 से 5 बजे के बीच में, कभी भी आप इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम वहाँ पे ये लोग बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया कि योजना क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें इसमें लगेंगे। अब बाकी देखिए यहाँ पे जो लोग इसका लाभ ले लिए हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी भी इसमें शेयर किए हैं, तो आप उनको भी देख लेंगे तो आपको वहाँ पे लगेगा कि हाँ ये रियल है, कैसा है, कितने दिन में मिलता है, सब कुछ उनकी वहाँ पे पूरा एक फॉर्म बन के आता है, जो अपने वो वहाँ पे टेस्टिमनी देते हैं कि हाँ हमने ये किया है। तो फिर देखिए सक्सेस स्टोरी देखने के लास्ट में देखिए सक्सेस स्टोरी का ऑप्शन, आप सिंपली सक्सेस स्टोरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए परियोजना लिखा है और यहाँ पे सफलता की कहानियाँ, गैलरी, यहाँ पे फोटोज, इमेज हैं, जो लोग अपना उद्यम चालू किए हैं, बिजनेस चालू किए हैं तो अपनी सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पे अपलोड किए हैं, उनसे देख करके आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे देखिए बुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर, मैन्युफैक्चरर वाला बिजनेस, यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट का बिजनेस, आप अगर किसी भी बार क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अब जितने भी रेस्टोरेंट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था उनको मिल गया, अपना ओपन भी कर लिए, उसको सही से चला रहे हैं, उनके बारे में आप रीड कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर दे, मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, अन्यवादा रजौली का यहाँ पे कोई है, उनका जो सक्सेस स्टोरी बताया गया था, हम यहाँ पे और पड़े वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वीडियो चलेगी और इस वीडियो में छोटा सा क्लिप होगा, उसमें बताया गया है। बाकी व्यू डिटेल पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपका एक PDF आएगा और जिस बंदे ने इसके लिए एनरोल किया था, उसको लोन मिला था और उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया था, उनके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, आपका उनका एड्रेस भी, उनका जो कहाँ पे उनका ओपन हुआ है वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो उनसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत सही है, आप सब कुछ देखने के बाद अगर आप चाहिए तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो हम एक बार यहाँ पे बैक आते हैं और फिर देखिए लास्ट में हम आपको दिखाते हैं कि परियोजना की जो सूची होती है, मतलब कौन कौन सी योजना की इसमें सूची है जिसके लिए आप इनरोल करेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर पे परियोजना की सूची पे आप क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का आप कोई भी बिजनेस अगर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए इनरोल करेंगे। यहाँ पे 100 ऑप्शन, हम यहाँ पे 100 पे क्लिक करते हैं, 10 डाटा दिखा रहा था। अब देखिए प्रोजेक्ट लिस्ट है, अब प्रोजेक्ट लिस्ट में आप किस कैटेगरी का काम करने के लिए इसमें एनरोल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया है, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, बेड, ट्राली निर्माण की इकाई, हल्के वाहन की बॉडी निर्माण, स्पोर्ट्स जूता, स्टेबिलाईजर, इन्वर्टर, UPS, CBT असेंबलिंग और सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि, सोलिंग शटर, यानी कि 3600 तरह के यहाँ पे काम दिए गए हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के बिहाफ पर जो भी आप काम करना चाहते हैं आप जब ऑनलाइन करेंगे तो उसमें वहाँ पे बताया जाएगा, आप उस ऑनलाइन की वीडियो भी देख लेना।
और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बट हाँ ये जो जानकारी है ऑनलाइन भरवाने से पहले या फिर आप खुद से भर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। आप इसको जान लेंगे तो आपको ईजी रहेगा फॉर्म फिल करने में। डॉक्यूमेंट भी आपने देख लिया और कौन कौन एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए, तब आप बहुत ही आसानी से फॉर्म को फिल कर सकेंगे। और इस तरह के यहाँ पे काम है, आप जिस भी काम में इच्छुक हैं, जिस भी काम को ओपन करने के लिए, जिसका भी बिजनेस डालने के लिए, आप उनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। फ्रेंड अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।